Hey guys, welcome back to my channel. तो आज हम लोग मेकअप करेंगे एक्सपेंसिव वर्सेस अफोर्डेबल रेंज. तो देखते हैं कैसी वीडियो होगी. एंड बहुत सारा सामान है, ये तो लोग यहाँ पे मेरा वीडियो देख सकते हैं. और ये दो पाउचेस, एंड देखते हैं आज वीडियो कैसी होगी. सो एक्सपेंसिव वर्सेस अफोर्डेबल प्रोडक्ट, लेट्स गो. मोस्ट टाइम तो मेरे प्रोडक्ट्स ना सेम ही रहते हैं, मतलब एक इवेंट में सब रहता है. तो फिर मुझे पहले तो वो सब अलग अलग करना पड़ेगा, एक साइड पे एक्सपेंसिव और एक साइड पे अफोर्डेबल रेंज, दोनों को आपको निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए. एंड मैं भी पढ़ा तो सब कुछ निकाल देती हूँ. ये मेरे ब्लेंडर्स वगैरह हैं, इसमें मेकअप फिक्सर एंड ऑल है. वहाँ पर मेरे पास ब्रशेस है, ब्रशेस के लिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है वो अमेजोन से मिलने गया. एंड यहाँ पर मेरे सारे आई शेडो पैलेट्स हैं, तो आप देख सकते हैं. एक में मेरे ये सारे एक्सपेंसिव है और ये वाले जो है ना थोड़े लो वाले. कैसा होता है, दोनों साइड हम लोग करेंगे और देखेंगे. मैंने अभी अपने दोनों प्रोडक्ट्स एक एक साइड में निकाल लिए, तो अभी हम लोग करेंगे और स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ. मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर काजल नहीं लिया, अफोर्डेबल में ही ये ब्लू है का रूज वाटर. और उसके बाद अनदर है ये ब्लू वाइप्स का रूज वाटर. ये एक्सपेंसिव में रखा है बिकॉज ये 250 का और ये 60 रुपीज़ का ही है. जो भी मैंने यहाँ पे लिया है एक अफोर्डेबल में पॉम्स का सुपर लाइट जेल. और यहाँ पे दूसरी साइड है सेट अपल का मॉइस्चराइजर जो ऑल इन वन. प्राइमर तो एक ही मेरे पास पर्पल का और दूसरा इस ब्यूटी का, दोनों ही अपने मुझे बहुत ही अच्छा. तो अभी आप देख सकते हैं ये वाली साइड मेरी पूरी ब्लर हो गई है. ये वाला अभी हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा टिंटेड है. तो ब्लश हाइलाइटर एंड फाउंडर के मेरे पास ये रेडियो के पैलेट है. Thank you.
कंसर्न, ये शाइन कर रहा है, ये फुल मैट तो देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस यही है मेरा फाइनल लुक, और आपको ये लुक कैसा लगा जरूर बताना, और थोड़ा भी इतने डिफरेंस नहीं लग रहा है, बट अगर आपको कोई थोड़ा सा भी डिफरेंस लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताना, और मेरी